वेलकम बैक टू माई चैनल अनु वाओ स्टाइल. सो आज है 13 मार्च और दिन है वेडनेसडे. और एज यू नो मैंने कल जो वीडियो डाला था आपको पता चली गया होगा कि मैं पैकिंग कर रही थी और अभी मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के यहाँ. तो पहले मैं दिल्ली जाने वाली हूँ, उसके बाद मैं अपनी मम्मी के यहाँ, देन फिर मैं इन लॉस के यहाँ जाऊँगी. सो अभी मेरी ऑलमोस्ट जो है वो पैकिंग हो चुकी है, थोड़ा बहुत रहता है. और अभी बज रहा है दिन का 1:15, तो अभी 1:15 हो रहा है और अभी हम लोग निकलेंगे अराउंड 6, हाँ 6 बजे के आसपास निकलेंगे. बिकॉज यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए 1 से 1.5 घंटा लग जाता है और वीकडे है, ट्रैफिक है काफ़ी, तो टाइम लग जाता है. सो मैंने अभी लंच बनाना है क्योंकि अभी हस्बैंड मेरे को आएंगे ऑफिस से, तो हम लंच करके देन फिर शाम को निकलेंगे. तो अभी बस मैं लंच बनाने जा रही हूँ. ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई है, 2 सूटकेस बनाए, इससे ज़्यादा मैंने सूटकेस नहीं बनाया बिकॉज अभी हस्बैंड नहीं जा रहे साथ में, तो कैरी करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो. तो गाइज बस यही था अभी तक का. सुबह से काफ़ी देर से काम लगी हुई थी, बहुत काम था घर पे, पैकिंग करना था, कपड़े धोना था और सब कुछ हस्बैंड का करके जाना था कि उनको बाद में पीछे से कुछ प्रॉब्लम ना हो. तो अभी जस्ट मैं अभी लंच बनाने जा रही हूँ और कुछ सिंपल सा लंच बनाऊंगी और कुछ ज़्यादा हाउस वॉच नहीं करने वाली, सिंपल लंच बना के और फिर हम लोग लंच करेंगे. उसके बाद थोड़ा सा जो भी रह जाएगा मैं देखूंगी, जो चीज़ें रखने वाली हैं, ले जाने वाली हैं, ले जाऊंगी. वैसे कुछ छूट जाए तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं, बट वही कुछ लेके जाना, वहाँ जाके दोबारा वो चीज़ें लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कल भी बताया था. तो भी सूटकेस मैंने इसलिए ओपन रखा है, कुछ जो रह गया तो मैं डाल सकूँ. अभी एक में पूरा पैक करके बंद कर दिया मैंने और एक थोड़ा थोड़ा जो भी सामान रह गया तो हम उसमें डालेंगे. तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में. मैं बनाने जा रही हूँ लंच और करण भी ऑलमोस्ट रेडी है और करण खेल रही है अपने फ्रेंड्स के साथ. और करण की भी एक फ्रेंड आई हुई है, व्हाट्स हर नेम, अर्शिया. तो करण की फ्रेंड अर्शिया भी उसके साथ खेलने आई है, तो काफ़ी देर से ये लोग खेल रहे हैं, काफ़ी उधम मचा रहे हैं. सो गाइस चलिए मिलती हूँ, मुझे अपना नेल पेंट भी चेंज करना है बिकॉज काफ़ी पुराना और ऑलमोस्ट उतरने वाला हो गया, आप देख सकते हो. तो अभी मुझे रिमूव करना होगा. अभी मैं खाने में बनाने जा रही हूँ चटनी. पहले मैं चटनी बनाऊंगी और मेरे आलू मटर की सब्ज़ी बनी पड़ी है, मैंने पहले ही बना ली थी. और चटनी थोड़ी हमारी थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में होती है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम लोग चटनी कैसे बनाते हैं, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल हमारे पंजाबी स्टाइल में चटनी कैसे होती है. सो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी चटनी जो है इसमें बनती है. और ये आप देख सकते हैं मिट्टी का, जिसके मटके होते हैं, घड़े होते हैं, तो ये उसका बना होता है, इसके बीच में पत्थर लगा होता है जिससे चटनी पिसती है. तो इसमें हम लोग चटनी बनाते हैं और इसको चटनी बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. ये डंडा होता है, एक लकड़ी का डंडा होता है, तो ये जो इसका बड़ा वाला मोटा वाला साइड होता है इससे हम चटनी पीसते हैं. तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम लोग चटनी बनाते हैं. तो सबसे पहले चटनी के लिए मुझे चाहिए प्याज, टमाटर के दाने, जो हम नॉर्मल चटनी मिक्सी में बनाते हैं, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और धनिया पत्ती. तो इससे हम चटनी बनाएंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि हम लोग स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं और नमक बस. और सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मिर्ची को, सबसे पहले हम मिर्ची और नमक को हम पीस लेंगे. मैंने मिर्ची ले ली है और मिर्ची में हम डालेंगे नमक, और मिर्ची और नमक को हम पहले पीस लेंगे, या हम लोग जैसे बोलते हैं कूट लेंगे. दो साइड होते हैं मोटा पतला, मोटे साइड से पीस लेंगे इसको. तो ये हरी मिर्ची जो है वो पिस गई है, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे. अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अनियन, और पहले हम अनियन को अच्छे से पीस लेंगे. आप देख सकते हैं मेरे प्याज जो है वो पिस गए हैं, और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर. अब इसको भी हम पीस लेंगे. टमाटर भी पिस गए हैं और अभी हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ती. और धनिया पत्ती को मैं 4 मिनट पहले भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं की, मैं अभी कर रही हूँ. इसको हल्का हल्का से घुमाते रहें. सो ये मेरी चटनी बनके रेडी हो गई है. और देखते हैं, मैंने मतलब मैं इतने थोड़ा ज़्यादा मोटा नहीं रखा, ना ज़्यादा पतला, बारीक किया इसको, पतला सा रखा. तो ये है मेरी चटनी पंजाबी निकल गए हैं, बट आप देख सकते हैं. तो अभी काफ़ी ट्रैफिक है, अभी भी हम लोग काफ़ी एडवांस निकले हैं, तो अभी हम लोग लेट नहीं होंगे. बट मुझे लग रहा है ट्रैफिक, नेविगेशन में तो 1 घंटा दिखा रहा है, तो बट अभी लग रहा है टाइम लग जाएगा बिकॉज काफ़ी ट्रैफिक है. ऑफिस टाइम हो गया, ऑफिस आ गया तो काफ़ी टाइम. और वो जो एरिया है अंधेरी साइड का, फुल पैक्ड होता है वो, मतलब पूरा एकदम चौक होता है वो रास्ता. तो फिर भी हम लोग काफ़ी एडवांस है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाएगा अभी हम लोग. तो लेट्स सी कब तक हम लोग पहुँचते हैं, मतलब भाग भाग
मुझे पसंद नहीं थी भाग भाग के। लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि मैं लास्ट पैसेंजर थी जो फ्लाइट में अभी मैंने बोर्ड नहीं की थी और मुझे उनका कॉल आ रहा था। सो इस बार मैं चाहती थी कि ऐसा कुछ ना हो, थोड़ा सा एडवांस ही निकली हूँ मैं। अभी हम लोग ने बैगेज काउंटर पर बैग वैग सब कुछ दे दिया है, बोर्डिंग पास मेरे पास पहले ही था। एंड देन अभी हम लोग जा रहे हैं डिपार्चर में और मेरी फ्लाइट है अभी तारा में, तो मैं फिर तारा से फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रही हूँ। सो लेट्स सी हाउ इज़ एक्सपीरियंस, मुझे नहीं पता कैसा एक्सपीरियंस, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रही हूँ तो लेट्स सी। सो गाइस जस्ट लैंडेड इन दिल्ली और अभी जैसे एक फ्रेंड है वो लेने पिक करने आ रही है अभी, और अभी बज रहे हैं 11:30। तो 2 घंटे की फ़्लाइट, उन्होंने 1:20 में लैंड कर दी। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस तरह के साथ। सो मतलब 2:15 का टाइम था और उन्होंने लैंड कर दी 1:20 में। चलिए मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। सो गाइज हाई वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। सो गाइज मैं रात को व्लॉग एंड करना भूल गई थी एंड यहाँ पर सही आ रहा है। सो मैं कल व्लॉग एंड करना भूल गई थी एंड बिकॉज बहुत थकान हो गई थी और काफ़ी लेट भी हो गया था, आई थिंक रात के 1 बज गया था। तो जस्ट हम घर आके थोड़ा सा चेंज करके सो गए थे और इसलिए व्लॉग नहीं एंड कर पाई। सो मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ और फिलहाल अभी मैं गुड़गांव में हूँ और अभी मैं आज का दिन शायद यहीं पे रुकूंगी, देन मैं नोएडा जाऊंगी। और चलिए गाइस मिलती हूँ मैं, आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा जो आज का व्लॉग है घर से लेके बॉम्बे से मुंबई टू दिल्ली तक, मुंबई टू दिल्ली वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। आगे भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, कहाँ कहाँ शॉपिंग करने के लिए अगर गई तो मैं ज़रूर डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।